अस्कन बजाजे की कहानी संग्रह कूड़ा समय के पिछले एपिसोड में हमने रानू के संवाद 3 के तहत 10 छोटे छोटे संवादों को पढ़ा था, जिसके जरिए हमने जाना कि बच्चों के मन को कितने सारे प्रश्न हैं जो मतते हैं और उनके जवाब देने में अभिभावक ज्यादातर फेल हो जाया करते हैं। या तो वे बच्चों को डांट कर चुप करा देते हैं या सब कुछ भगवान भरोसे पर छोड़ देते हैं, जिसे बच्चों का नाजुक मन समझ नहीं पाता और वह लगातार हम लोगों से सवाल जवाब करता रहता है। साथ ही हमने स्त्री विमर्श को भी उठाया था कि किस तरीके से घर के अंदर ही लड़का और लड़की में भेद किया जाता है, साथ ही न्यायिक व्यवस्था कितनी ढीली ढाली है हमारे देश की और कितना ज्यादा समय लगता है न्याय मिलने में। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में करी थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और रानू के संवाद 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। रानू के संवाद 4। और संवादों की श्रृंखला में ये अंतिम है। पहला संवाद है पापा और रानू के बीच में। पापा, रानू इधर आओ। रानू, जी पापा। पापा, ये तुमने क्या उल्टा सीधा बनाया हुआ है स्कूल की कॉपी में? रानू, पापा ये मैंने ड्राइंग बनाई है। पापा, तो तुम आर्टिस्ट बनोगे? कमाल है, मैं चाहता था कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। रानू, तो पापा आप स्कूल टीचर क्यों बन गए? बच्चों के साथ हम अक्सर इसी तरीके से करते हैं। हमारी जो ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं अपने समय में, जो सपने अधूरे रह जाते हैं, उन्हें हम अपने बच्चों के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो सरासर गलत है। आपकी और आपके बच्चे की शख्सियत अलग है। आप और बच्चे तो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। अपने सपने उनके ऊपर थोपना कितना जायज है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दूसरे संवाद की तरफ चलते हैं। संवाद 2। रानू, पापा क्या ईश्वर ने सबका भाग्य पहले से ही लिख दिया है? पापा, हाँ रानू, भाग्य तो ऊपर वाला पहले ही लिख देता है। रानू, तो पापा जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है? पापा, वही होता है। रानू, पापा अगर किसी के भाग्य में लिखा है कि वे बीमारी से मरेगा तो वह एक्सीडेंट से नहीं मर सकता, चाहे वह जितनी भी मर्जी उल्टी सीधी गाड़ी चलाए। पापा, क्या बकवास कर रहे हो, उल्टी सीधी गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट से ही मरेगा। रानू, तो फिर भाग्य में लिखा नहीं होगा? हम बच्चों को ऐसी बातें बोलते हैं और बच्चे जब पलट कर हमसे सवाल करते हैं तो हम उन्हें डांटने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे सवाल नहीं करते, मेरा खुद का भतीजा इस तरह के बहुत सारे सवाल करता है और घर में हम सब चुक जाते हैं उसके सवालों के जवाब देते देते। हम सबको अकेला ही थका देता है वो सवाल करके। तीसरा संवाद। रानू, पापा लोग मंदिर में पैसे क्यों चढ़ाते हैं? पापा, बेटा ये दस्तूर है, रिवाज है, भगवान को धन अर्पित करते हैं। रानू, पापा पंडित जी तो कहते हैं कि पैसा और धन माया है, माया, तो भगवान को माया क्यों चढ़ाते हैं? धन एक्चुअल में किसके लिए चढ़ाया जाता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बरसों से या सदियों से ये रिवाज चला आ रहा है, इसीलिए हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सही नहीं है। चौथा संवाद। पापा, नहीं नहीं, आज मैं काली शर्ट नहीं पहनूंगा, आज बुधवार है। रानू, क्यों पापा? पापा, बुधवार को मैं काली शर्ट नहीं पहनता। रानू, आप बुधवार को काली शर्ट क्यों नहीं पहनते? पापा, अशुभ है, बुधवार को काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ है। रानू, पर पापा अगर किसी का रंग ही काला हो तो वह क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है, रंग से पीछा छुड़ाना क्या इतना आसान होता है? अंधविश्वास छोड़िए और सब रंग अच्छे होते हैं। पांचवा संवाद। आइसक्रीम वाले के ठेले पर रानू और उसका दोस्त रतन आइसक्रीम खाने आते हैं। यकीन मानिए सारे संवाद जो रतन के नाम से लिखे हुए बड़े हास्यास्पद लगते हैं मुझे, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अचानक से रतन जी की स्वभाव और उनका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी मेरे सामने तैरने लगती है। रतन के नाम से जितने भी संवाद इस वक्त यहाँ पर लिखे हैं, रतन जी की पर्सनालिटी ठीक उसके उलट है। सुनिए, रतन, ला चाकोबार आइसक्रीम खिला, चल जल्दी कर। रानू, ये तुम आइसक्रीम वाले से कैसे बात कर रहे हो? रतन,
तुझे मालूम नहीं इन छोटे लोगों से इसी तरह बात करनी चाहिए। रानू, ये तुझे किसने बताया? रतन, मेरे पापा इन लोगों से ऐसे ही बात करते हैं। रानू, तेरे पापा इन लोगों से ऐसे क्यों बात करते हैं? रतन, वे कहते हैं कि छोटे लोगों से अच्छी तरह बात करोगे तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। रानू, मुझे लगता है कि तेरे पापा का दिमाग तो खराब हो ही चुका है। बच्चे जैसे अपने अभिभावक को या अपने माता पिता को अपने से कमतर लोगों से बात करते देखते हैं, वही वो अडॉप्ट करते हैं। मुझे फक्र है, मैं घमंड कर सकती हूँ इस बात पे कि मेरे बच्चे यहाँ पर किसी से इस तरह बात नहीं करते हैं, चाहे वो स्टाफ में कोई भी क्यों ना हो, सफाई कर्मचारियों से भी भैया करके बात करते हैं या अंकल करके बात करते हैं, बहुत इज्जत के साथ पेश आते हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं उन्हें कुछ अच्छा सिखा सकी अपने जीवन में। मैंने खुद भी कभी अपने अभिभावकों को इस तरह बात करते हुए नहीं सुना। आप बताइए, आप कैसे अभिभावक हैं? झूठ मत बोलेगा कमेंट सेक्शन में आके। छठा संवाद। रतन, देख रानू, तू असलम से बात मत किया कर। रानू, क्यों? रतन, असलम मुसलमान है। रानू, तो उससे क्या हुआ? रतन, मुसलमान अच्छे नहीं होते। रानू, ये तुझे किसने बताया? रतन, पापा कहते हैं। रानू, क्या कहते हैं? रतन, मुसलमान बदमाश होते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रानू, तो यार एक बात बता, तेरे पापा ने गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान क्यों रखा है? तो ये बहुत करारा व्यंग्य है। भाजपा या आरएसएस के लोग हिंदू मुसलमान हर वक्त करते रहते हैं, जबकि इनके खुद के बहुतों के दामाद जो हैं वो मुस्लिम हैं। खुद तो ये दूसरे रूल फॉलो करते हैं, इनकी कथनी और करनी में आपको फर्क क्या दिखाई नहीं देता? कैसे आप इनकी बातों में चले आते हैं? सोचिएगा इन सब चीजों के ऊपर। सातवां संवाद। रतन, रानू एक बात सुन। रानू, क्या? रतन, अब हम आगे से अंग्रेजी में बातचीत करेंगे। रानू, क्यों? रतन, मैं अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, घर में पापा सब बच्चों से अंग्रेजी में बात करते हैं। रानू, क्यों? रतन, यार अंग्रेजी का तो जलवा है। रानू, क्या जलवा है? रतन, यार सब बड़े बड़े लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। रानू, तो बड़े आदमी इंग्लिश बोलते हैं? रतन, हाँ हाँ क्यों नहीं। रानू, ये बता, इंग्लैंड में तो सब अंग्रेजी बोलते हैं ना? रतन, हाँ क्यों नहीं, वहां सभी अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं। रानू, तो यार इंग्लैंड में सभी बड़े लोग होंगे, कोई छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर असगर वजाहत साहब जी के इस संवाद से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। महात्मा फूले से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर तक हमारे सभी महापुरुषों ने अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, अंग्रेजी सीखने पर जोर दिया है। अंग्रेजी शिक्षा का मतलब हम लोगों की मुक्ति, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अंग्रेजी शिक्षा बहुत जरूरी है, अंग्रेजी में बातचीत करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी सभी किताबें जो हैं वो अंग्रेजी में ही लिखी हैं, क्योंकि उसकी एक अपनी अहमियत है। आठवां संवाद। रतन, रानू देख, मैं ये मंत्र लाया हूं तेरे लिए। क्या है इस मंत्र में? ये पास होने का मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ेगा तो आसानी से पास हो जाएगा। ये मंत्र तुझे किसने दिया है? हमारे घर एक बाबा आते हैं, उन्होंने ये मंत्र दिया है। बाबा कहाँ तक पढ़े हैं? बाबा तो बाबा है, पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं लगते। तब तो ये मंत्र झूठा है। क्यों? अगर ये मंत्र पास करा सकता होता तो बाबा आज इंजीनियर या डॉक्टर होते। आजकल भी बहुत सारे बाबा आप देखेंगे और वो किस किस तरह की बेवकूफाना बातें जो है वो बताते हैं। आप खांस रहे हैं, आपको दूर से ठीक कर देंगे बिना डॉक्टर के आपकी खांसी, हद हो गई। और लोग इन बाबाओं के चक्कर में बड़े आराम से आ जाते हैं। नौवां संवाद। रतन, गरीब लोग बहुत गंदे रहते हैं। रानू, हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, गरीब लोग बहुत गंदे रहते हैं। रतन, उन्हें चाहिए कम से कम अपने कपड़े तो धो लिया करें। रानू, बहुत सही बात है, उन्हें साबुन खरीदना पड़ेगा। रतन, रोज नहाया करें, ढंग से रहा करें। रानू, उनके लिए एक अच्छे घर का अच्छा बाथरूम चाहिए होगा, ये सब उन्हें कैसे मिलेगा? रतन,
ये सब तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्हें सफाई से रहना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को निशाना बनाकर लिखे गए संवाद हैं। गरीबी हटाओ की बात जो है वो सभी लोग करते हैं, लेकिन गरीबों को जरा सा भी संसाधनों में हिस्सेदारी देने को कोई तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। एक मिडिल क्लास तबका जरूर प्रोग्रेस कर गया है कुछ खास परिस्थितियों में, कुछ खास समय में, संदर्भों में, लेकिन गरीब तो फिर भी गरीब ही रह गए। और पिछले 10 सालों में तो देश जो है वो बहुत सारे गरीब देशों से भी नीचे चला गया है गरीबी में। 10वां और आखिरी संवाद। पापा, रानू रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, ठहर जाओ। रानू, क्यों पापा? पापा, बिल्ली रास्ता काट गई है। रानू, तो क्या हुआ पापा, बिल्ली तो निकल गई। पापा, ये अशुभ माना जाता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सब ऐसा ही मानते हैं। रानू, पापा क्या पुलिस भी ऐसा ही मानती है? पापा, क्या मतलब है तुम्हारा? पापा, पुलिस चोर का पीछा कर रही हो और बिल्ली रास्ता काट जाए तो पुलिस रुक जाएगी? बच्चे, यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को इस तरह के सवाल जवाब करते हुए सुना है। हम खुद भी अपने बचपन में ये सब बातें पूछा करते थे कि क्या होता है इससे, क्यों बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, इस तरह की बातें हम कर, आप भी बताइएगा, क्या आप भी अपने बचपन में इस तरह की बातें किया करते थे, पूछा करते थे, तो आपको क्या जवाब दिया करते थे आपके बड़े? ये सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम अगली कहानियों को लेंगे। लेकिन यदि ये वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम। धन्यवाद।